अगर तूने यह नागमणि स्वयं धारण कर ली तो तू नाग योनि की हो जाएगी, पर आज अपने पति को मरने से बचा लेगी। महादेव, जैसा मैंने कहा था, अपनी हर जीत के बाद आपका शिवलिंग स्थापित करूंगी। धन्यवाद आपका। हर हर महादेव। परीक्षाएं देते देते दो परीक्षाएं तो दे दी, अब आगे और कितनी देनी? मुझे स्वर्णमणि दिला दीजिए, मुझे स्वर्णमणि दिला दीजिए प्लीज। आज तो हमें नहीं रोक पाएगी नंदिनी। मैं हर्ष को तुझे कहीं नहीं ले जाने दूंगी। तू रोकेगी हमें? इसे चुपचाप बता, तू यहाँ है तो मैत्री कहाँ है? कहाँ है मैत्री? अपने साथ सपेरों को भी लाई है। बहुत चालाक है तू। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, वापस हम जरूर आएंगे, और पहले पहले हम मैत्री को मारेंगे। फिर हम हर्ष को अपने साथ लेकर जाएंगे। जाना है मैत्री, उठ जा, वैसे कमजोर नहीं पड़ सकती। महादेव है तेरे साथ, तुझसे उम्मीद लगाए बैठे, हर्ष को बचाना है तुझे, उठ जा। कुछ
कुछ था क्या? वहम होगा मैत्री, वहम होगा। चंद्रमणि अमर रहे, हमारी बेटी हर कार्य में इतना वक्त क्यों लगाती है? उसका अब तक वापस ना आना हमारी चिंता को बढ़ा रहा है, और हर्ष के बिना हमें ये स्वर्ण मणि कभी नहीं मिल सकती। रह गई थी तू? हर्ष कहाँ है? हर्ष अस्पताल में है। शायद हर्ष मरने वाला है। क्या? और तू इतनी संतुष्ट है इस बात से? हमारी बात अभी पूरी नहीं हुई है। हमारी बात तो सुन लीजिए। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी दिक्कत हर्ष की पत्नी। हम अस्पताल गए थे, हमने सोचा था कि मैत्री वहां होगी, पर उसके स्थान पर नंदिनी बैठी थी वहां पे। मैत्री कहां गई? उसके दिमाग में क्या चल रहा है? हमें वो पता करना होगा माँ। स्वर्ण मणि के सही पथ पर जा रही है। तो हम यहां रुके क्यों? हमें जाना होगा। नहीं, क्यों मां? अगर हमने मैत्री को रोक दिया तो हमें स्वर्ण मणि नहीं मिलेगी। हम नहीं जानते स्वर्ण मणि का सही स्थान कहाँ है। एक बार हम मैत्री तक पहुंच गए तो फिर हमें स्वर्ण मणि भी मिल जाएगी। तो हम जाएंगे मैत्री के पीछे, क्योंकि उसकी और हमारी कुछ खास बनती है। फिर से मुलाकात होगी मैत्री से। आप बस यहां नजर रखिएगा मां। जाओ, चंद्रमणि अमर रहे। पल्स रेट चेक कीजिए और ब्लड प्रेशर कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग पे रखिएगा। यस सर। आई एम नॉट गेटिंग इट, इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी कोई कैसे अटैक कर सकता है? और अटैक हुआ भी तो क्यों? ये हॉस्पिटल है, कोई बैटल ग्राउंड नहीं है। यहाँ पे जो भी हुआ मैत्री को बताना होगा। आज तो सपेरे वाले बाबा ने बचा लिया, वरना झुमकी हर्ष को लेकर चली जाती। इस अटैक की वजह से हर्ष के वाइटल स्ट्रेस्ड आउट हो गए हैं और मुझे डर है कि वो कोमा में ना चले जाए।
अब ये क्या है? तीन रास्ते और तीनों एकदम सेम टू सेम, कोई अंतर बता ही नहीं सकता। बाबा ने कहा था मुझसे, हर बाधा को हिम्मत और होशियारी से पार करना होगा, पर इसमें से सही रास्ता कौन सा है कैसे पता चलेगा? और अगर गलती से भी मैं गलत रास्ते पर चली गई तो हो सकता है मैं किसी भूल भुलैया में चली जाऊं, हो सकता है वो छलावा हो, और फिर बहुत वक्त जाया हो जाएगा और मैं स्वर्ण मणि तक जल्दी पहुंच नहीं पाऊंगी। और फिर हर्ष, नहीं नहीं मैत्री, तू गलत फैसला नहीं ले सकती, करीब जाकर देखती हूँ, ये रास्ते तो बंद हो रहे हैं। मैत्री, अगर सही रास्ता नहीं चुना तो अगले मणि तक पहुंचने का आखिरी मौका भी तू खो देगी। जल्दी फैसला ले मैत्री, जल्दी। चंद्रमणि अमर रहे तो यहां लेटा हुआ है हमारा शिकार। मैं जानती थी तो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी, इसलिए मैत्री ने मुझे दूसरा तरीका पहले से ही बता दिया था। अब जब तक ये नेवला यहाँ पर है, चूंकि तू क्या, तेरी परछाई भी यहाँ नहीं आ सकती। मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है मैत्री, और अपनी इस जान की जान को तुझे कहीं नहीं ले जाने दूंगी झुकी। महादेव, जब जब मैंने अपनी आंखें बंद की, आपने अपनी दिव्य दृष्टि से मुझे सही राह दिखाई। आप ही मुझे सही रास्ता दिखाएंगे, मेरी मदद कीजिए महादेव, मेरी मदद कीजिए, मुझे सही रास्ता दिखाइए। सही रास्ता है, क्योंकि इसी रास्ते पर आकाश में बादल चल रहे, हवाएं बह रही है, कुछ पत्ते भी हिल रहे, और बाकी दो रास्ते ऐसा लग रहा है मानो जैसे कोई तस्वीर हो, सारी चीजें स्थिर है। ओम नमः शिवाय।
धन्यवाद, धन्यवाद महादेव। मुझे तीनों मणि मिल चुके हैं। पहला पीले रंग का, यानी कि भूमि तत्व। दूसरा लाल रंग का, यानी कि अग्नि तत्व। और तीसरा बैंगनी रंग का, बिल्कुल आकाश की तरह, जहां से मुझे ये मिला। अब बस दो और मणि बचे, एक वायु में बहता हुआ और दूसरा जल से निकला। उसके बाद ये स्वर्ण मणि मिल जाएगा और मैं अपने हर्ष को बचा लूंगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बस दो तत्व और, दो तत्वों का निडरता से सामना करना है मुझे महादेव। उसके बाद मुझे स्वर्ण मणि मिल जाएगी। हर हर महादेव। से कहां जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बढ़ते वक्त के साथ साथ ये चुनौतियां भी बड़ी होती जा रही। एक वक्त को तो लग रहा है कि क्या मैं इन्हें पार कर भी पाऊंगी या नहीं। लेकिन नहीं, मैं हार नहीं मान सकती। हर्ष के लिए मुझे इन्हें पार करना ही होगा। हार नहीं मान सकती, हार नहीं मान सकती। अच्छा, हर्ष के लिए तो चुनौतियों से लड़ रही है। स्वर्ण मणि चाहिए तुझे? अरे मूर्ख, पीछे मुड़ के तो देख, तेरी असली चुनौती यहाँ खड़ी है। शायद यही मेरा अंत है। शायद मैं अपने हर्ष को नहीं बचा पाऊंगी। इस बात का दुख है, पर मैं लड़ी। जितना लड़ पाई मैं लड़ी हर्ष। तुमसे पहले जा रही हूँ इस दुनिया से। हो सके तो मुझे माफ कर देना, माफ कर देना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैत्री, ये खाई नहीं, मौत का फैलाया हुआ कुआं है। इससे तेरा बचना नामुमकिन है। अब ये स्वर्ण मणि सिर्फ और सिर्फ हमारी है, हमारी, सिर्फ और सिर्फ हमारी। हर्ष, मैं जिंदा हूँ, मैं उठ सकती हूँ।
बहुत धन्यवाद महादेव, धन्यवाद। मरने नहीं दिया ताकि मैं अगली चुनौती का सामना कर पाऊं। हो ना हो, अगली चुनौती ये भयानक बवंडर ही है। मुझे अगली मणि इस बवंडर के उस पार ही मिलेगी। मुझे किसी भी हाल में ये बवंडर पार करना ही होगा। मंजिल को पाना नामुमकिन लगे तो रास्ता बदल देना चाहिए, मंजिल नहीं। बवंडर मुझे किनारे से उसके पार नहीं जाने देगा, मुझे उसके अंदर ही जाना होगा।